हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास शर्मा और स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है वन फॉर ऑल। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप पीपीटी फाइल को वीडियो में यानी कि विंडोज़ मीडिया फॉर्मेट में या फिर MP4 फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप किस तरीके से अपनी पीपीटी फाइल के अंदर ऑडियो भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई भी पीपीटी फाइल है और आप उस पीपीटी फाइल को PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप उसे ईजिली PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपनी स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास वो फाइल होनी चाहिए जिसको आप PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक फाइल रखी हुई है, हम उस फाइल को यहाँ से ओपन अप कर लेंगे। तो दोस्तों, ये फाइल है हमारे पास, एक प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन को यहाँ से ओपन अप कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से जो ये प्रेजेंटेशन है ओपन अप हो गई है और आप देख सकते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में टोटल 20 पेजेस हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी जो प्रेजेंटेशन है ये हमारी PDF में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि जैसे हमारे पास यहाँ पर 20 पेजेस हैं, स्लाइड्स हैं प्रेजेंटेशन में, उसी तरीके से हमारे पास 20 PDF के पेजेस क्रिएट हो जाए। तो वो किस तरीके से करेंगे दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेव एज का, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे इस पर क्लिक किया है यहाँ पर फाइल नेम आ गया है और सेव एज टाइप आ गया है। आप फाइल नेम चाहे तो यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव एज टाइप जो आपको दिखा रहा है इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें जो इस फाइल को चेंज करना है वो है PDF में। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि PDF यानी कि .PDF का यहाँ पर ऑप्शन हमें मिल रहा है, तो इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप इसको किस तरीके से जो है कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड साइज़ में, मिनिमम साइज़ में। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ टूल्स भी मिल रहे हैं, इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको कंप्रेशन के ऑप्शन भी मिल रहे हैं। तो इस पर क्लिक करके आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, तो आप किस तरीके का रिजोल्यूशन यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एज इट इज़ जो डॉक्यूमेंट का रिजोल्यूशन है वो यूज़ करना चाहते हैं, तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। आप चाहे तो इनमें से कोई भी रिजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप अपनी PDF फाइल का साइज़ कम रखना चाहते हैं। तो हम इसे यहाँ से ओके कर देंगे, और ओके करने के बाद आपको सिंपली जो है यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। तो चलिए सेव पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है कन्वर्जन स्टार्ट हो गया है प्रेजेंटेशन फॉर्मेट का PDF में, और जैसे ही ये एक बार कन्वर्ट हो जाएगी तो हमारे पास यहाँ पर PDF फाइल क्रिएट होकर के आ जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर PDF फाइल क्रिएट हो गई है और हमारे पास ये ऑटोमेटिकली ओपन भी हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेजेस दिखा रहा है वो है 20। अभी फर्स्ट पेज यहाँ पर ओपन अप है हमारे सामने, और आप इसे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 20 पेजेस हमारे आ गए हैं। और अगर आप अलग अलग पेज को भी यहाँ पे देखना चाहते हैं तो ये पेजेस भी हमारे यहाँ पर आ गए हैं। हमने इस फाइल को जहाँ पर सेव किया था दोस्तों, ये वहीं पर सेव हुई है। ये देखिए, ये PDF फाइल है, इसका आपको मैं फॉर्मेट यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, लास्ट में PDF लिखा हुआ है, यानी कि ये जो फाइल थी PPT वाली, इसको हमने PDF में कन्वर्ट कर दिया है। एक बार हम इस फाइल को यहाँ से बंद करते हैं और उसके बाद इसे ओपन अप करके एक बार फिर से देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये फाइल है PDF में कन्वर्ट हो चुकी है। और आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे पास फाइल थी उसका साइज़ था 2.47, और जब हमने इसे PDF में कन्वर्ट किया है तो साइज़ इसका कुछ कम हो गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप कोई भी PPT फाइल को PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो काफ़ी इजीली तरीके से आप उसे यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के लिए बेनिफिशियल होगा तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।